मेरे पास नहीं है कोई साथ नहीं है और ना है अब किसी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीआईपी टेक जॉन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरह का फुल स्क्रीन वाला स्टेटस वीडियो, जैसा कि आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रीन पे इंट्रो में देखा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों और लास्ट तक देखिएगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि इस तरह का स्टेटस आप लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तभी आप बहुत ही आसानी से इसको बना पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एवी प्लेयर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास एवी प्लेयर एप्लीकेशन नहीं है तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ प्रो वर्जन, इसी का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को हम लोग कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इधर आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम लोग ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो बॉक्स जैसे यहाँ पे शो हो रहा है इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे में इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा लोड फ्रॉम फाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक अपने फोल्डर से यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड के फोल्डर में जाते हैं। और अपने फोल्डर से यहाँ से हम लोग एक विजुअलाइजर को ऐड कर लेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग इस विजुअलाइजर को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और दोस्तों विजुअलाइजर को डाउनलोड करने के बाद एक बार आप लोग अपने फाइल मैनेजर में जाके इसको रीनेम करके वहाँ पे सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है, तभी ये ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड होगा, क्योंकि हमारा जो एवी प्लेयर ऐप है दोस्तों न्यू वर्जन है। ठीक है, तो वहाँ पे इसको इसका जो नाम है चेंज करके वहाँ पे सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ से आपको विजुअलाइजर को ऐड कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग विजुअलाइजर जैसे ऐड करेंगे ये इधर लास्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से एक बार बैक कर देना, बैक करने के बाद ऊपर में आपको एक पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, तो आपको इस पेंसिल पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको फोर्थ नंबर पे की इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ फिर से इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ कस्टम इमेज पे क्लिक करेंगे और पिक इमेज पे क्लिक करके अपने फोल्डर से हम लोग यहाँ से एक इमेज को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक इमेज को ऐड कर लेता हूँ और इस इमेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके ऐड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से इस इमेज को ऐड करने के बाद इसको क्लोज करके बैक कर देंगे। बैक करने के बाद जस्ट उसके नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा ब्लर इफेक्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है और जनरल पर क्लिक करेंगे और इस विजिबल को यहाँ पर एनेबल कर देंगे। विजिबल बॉक्स को छोटा सा रहेगा, इसको एनेबल करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज करके बैक करेंगे। उसके बाद जस्ट उसके नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा RGB स्प्लिट इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है और सेम उसी तरीके से आपको चैनल पे क्लिक करना है और इसको भी यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद इसको क्लोज करके बैक करेंगे। उसके बाद जस्ट उसके नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा इमेज चैनल नेम, जिस पर लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको इसमें अपना कोई लोगो ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में बैकग्राउंड में मेरा लोगो यहाँ पे शो हो रहा है, जिस पे लिखा है यूट्यूब का लोगो बना छोटा सा और VIP टैग जॉन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है। तो अगर आप भी इस तरह के यहाँ पे लोगो ऐड करना चाहते हो तो इमेज पर क्लिक करना और कस्टम इमेज पे क्लिक करना, उसके बाद पिक इमेज पे क्लिक करके आप लोग अपने फोल्डर से अपना एक लोगो ऐड कर लेना। अगर नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ से इसको बैक करना। उसके बाद अगर आप मेरा लोगो यहाँ से हटाना चाहते हैं तो इसको क्लोज करना। उसके बाद सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जनरल का, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे जो ये विजिबल वाला बॉक्स यहाँ पे टिक है इसको आपको अनटिक कर देना। उसके बाद हमारा लोगो यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए इसको रहने देता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज करके बैक कर देंगे। बैक करने के बाद जस्ट उसके नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा ब्लर इफेक्ट का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपीयरेंस पे क्लिक करना है। अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दो बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से। फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन को आपको क्लोज करके बैक कर देना है। बैक करने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बार्स का और उसके नीचे में एक और ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो विजिबल का छोटा सा बॉक्स दिख रहा है इसको आपको टिक कर देना है। इसको एनेबल करके यहाँ से क्लोज करके बैक कर देंगे। उसके बाद जस्ट उसके नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा मोशन ब्लर इफेक्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चैनल पे क्लिक करना है और सेम उसी तरीके से इसको भी हम लोग कुछ इस तरह से एनेबल कर देंगे। जो छोटा सा बॉक्स रहेगा इसको टिक करने के बाद आपको बिल्कुल बैक करके इधर आ जाना है अपने होम स्क्रीन पे। इधर आने के बाद आपको इधर लेफ्ट साइड में थ्री डॉट मिल जाएगा, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ अपने फोल्डर से आप लोग एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना, इसमें एक सॉन्ग ऐड कर लेना। तो यहाँ से मैं एक सॉन्ग को ऐड कर लेता हूँ और इस सॉन्ग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग इस वाले सॉन्ग को भी ऐड कर सकते हो। सॉन्ग को ऐड करने के बाद आपको फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ विजुअलाइजर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ एक छोटा सा एरो का आइकन मिल जाएगा, तीर का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो बिट का और वीडियो हाइट का,
तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे ये जो है मेन सेटिंग है, अगर आप ये दोनों सेटिंग नहीं करोगे तो आपका जो वीडियो है दोस्तों वो फुल स्क्रीन में सेव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें सेटिंग ये वाली जरूर करना है, ठीक है। तो वीडियो बिथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा उसको रिमूव करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1080, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना है, यहाँ पे लिखेंगे 1080, उसके बाद जस्ट उसके नीचे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा वीडियो हाइट का, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे जो भी लिखा है उसको रिमूव करके आप लोग लिख देना है यहाँ पे 1920, ठीक है। ऊपर में 1080, नीचे में 1920, ऐसे लिखने के बाद यहाँ से डन करना। उसके बाद बिल्कुल नीचे में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 100% तक प्रोसेस लेगा, उसके बाद हमारा जो वीडियो दोस्तों हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट में मेरे को ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और अभी तक यार आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं यार एक और अपनी इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।